तो हम थोड़ी ही देर में धुमाकोट पहुंचने वाले हैं। तकरीबन यहाँ से 1 किलोमीटर है और उसके बाद हम होंगे सीधा धुमाकोट बाज़ार में। मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि तकरीबन हम 20 मिनट यहाँ पर रुके थे, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के लिए थोड़ा अपना पहाड़ का बाज़ार भी एक्सप्लोर कर लिया जाए। तो हम पहुंचने वाले हैं इसके बस स्टॉप, अगर मैं बोलूं बस स्टैंड जहाँ पे होता है, जहाँ पे सारे यात्री रहते हैं, मतलब मोस्टली अलग अलग बसें जाती हैं यहीं पे रुकती हैं। और जो आगे आपको स्टैंड दिख रहा होगा जहाँ पे दो टैक्सी दिख भी रही हैं, तो ये यहाँ का टैक्सी स्टैंड है। आगे जाने के लिए आप यहाँ से टैक्सी भी ले सकते हो, या फिर आप बस पर तो जा ही रहे हो ऑलरेडी, बट आप इधर से टैक्सी भी बुक कर सकते हो नैनी डांडा या उससे भी अलग अलग आगे जगह जाने की। और ये पीछे है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैकेनिक की शॉप भी है, तो अगर आपको गाड़ी का कोई पेच पुर्जा ख़राब हो जाता है तो आप यहाँ से ठीक करा सकते हैं। और मेरे पीछे जो रूट जा रहा था वहाँ पब्लिक वॉशरूम है, तो अगर आपको मार्केट में नहीं मिले तो आप जिस रूट से आ रहे हैं ना, मतलब बस जहाँ से आई थी उसी रूट पर पड़ता है, तो आप देख सकते हैं मार्केट। फिलहाल मामा तो देख रहे हैं अभी कहाँ पे हम लोग को खाना मिल सके, मतलब कोई एक अच्छी जगह पे। तो चलो अब पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद हम मार्केट एक्सप्लोर करते हैं, मतलब जब तक बस रुकी है तभी तक के लिए। हाँ अरे रुपा अरे तो अभी तो मैं रुका हूँ, तू जा क्या। ठीक रिचार्ज तो चलो हमें एक जगह मिल गई है, यहाँ पे हमने खाया था भात दाल, मस्त था, अच्छा था। पहाड़ का खाना तो यार अपना अलग ही स्वाद आता है, जो पीछे आपको जगह दिख रही थी। तो यहाँ पे की शॉप से मैंने कुछ सामान लिया है अपने के लिए, जैसे क्रीम रोल, भाई क्रीम रोल मुझे तो काफ़ी पसंद है, और बाकी फ़ैन लिए हैं चाय के साथ के लिए। तो चलो यार अब बस का टाइम हो गया है, बस ने हॉर्न बजा दिया है, तो मैं फटाफट से बस पे जाती हूँ, सीट लेती हूँ अपनी, और उसके बाद हम थोड़ा सा जो बचा कुचा है वो, मतलब जो मेन पॉइंट है और धुमाकोट में क्या है जो बेसिकली, वो दिखाती हूँ। तो हम निकल चुके हैं धुमाकोट से आगे की ओर, तो यहाँ पे आपको इसका बैंक मिल जाता है SBI का, और इसी के आजू बाजू में आपकी तहसील भी है, तो अगर कोई काम है तो ऐसा टेंशन लेने का नहीं है कि किधर है, बाजू में ही है, तो आराम से हो जाता है। तो ये था मिनी व्लॉग, में मिनी व्लॉग अच्छे लगे तो लाइक कॉमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगला व्लॉग भाई बहुत धांसू होने वाला है, तो चैनल के साथ जुड़े रहें।